भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछले कुछ विधानों में मैंने आप लोगों को स्वप्न सिद्धि के विषय में बताया था। किसी के भी विषय में भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए दो तीन साधनाएं बताई गई हैं। एक तो ये कि आप पूर्ण सिद्ध हो जाओ, आपके पास 14 विद्याएं आ जाए तो भूत वर्तमान का आपको आभास हो जाता है। आप भूत तो नहीं बदल सकते लेकिन वर्तमान को बदलने की क्षमता आप में आ जाती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा चलंत है वो है कर्ण पिचाशनी की साधना, जिसका मैं हमेशा विरोध करता हूँ कि आपको कर्ण पिचाशनी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिचास जब भी देता है तो उससे कई गुना ले लेता है। फिर देव कन्या की साधना एक मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि कर्ण पिचाशनी की तरह ही होती है लेकिन जब उसको बुलाया जाए तभी आती है। एक साधना जो आप लोगों ने मेरे मुखमंडल से और सुना होगा वो है पंचांगुली साधना, जो सुबह उठ करके हम लोग सिद्धि करते हैं। तो जो भी व्यक्ति सामने बैठता है उसका जो भी भूत और वर्तमान है वो हम लोगों को बताया जाता है। पिछले सप्ताह के एक वीडियो में पिछले महीने मैंने आप लोगों को स्वप्नेश्वरी देवी की साधना के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो विद्या मुझे मिली थी जब मैं एक अघोरी से मिला था। और बात बात में पहले ही बार में उन्होंने मुझे मेरे कान में एक मंत्र दिया, वो था स्वप्नेश्वरी देवी की साधना का। इन सब विधानों के अलावा भी भैरव देवता की सेवा से आपको जो अन कहे अन देखे पहलू हैं उनकी जानकारी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि पिछले साल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि चेटक और चेटकियां होती हैं जो कि भैरव देवता की सेवा में रहती हैं। तो अलग अलग जो चेटक हैं उनकी साधना से अलग अलग फल प्राप्ति होते हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं जो मृत्युंजय का जो साधना है, जो मृत संजीवनी साधना है, उसमें भी चेटक साधना सर्वोत्तम साधना मानी जाती है। तो जो चेटक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? चेटक उन प्रकारों के होते हैं जो शक्तियां आपको भैरव जी की सेवा से मिलती है, जैसे मणिभद्र चेटक, ठीक है, आकर्षण चेटक, स्वप्न सिद्धि चेटक उसी में आता है। जो स्वप्न सिद्धि चेटक की साधना है, क्योंकि भैरव का दूत है चेटक, तो इसमें बलि का विधान है। इसमें आपको 6 बार बलि देनी होती है। एक शुरुआत के 3 दिन जो साधना होगा उन 3 दिनों में बलि पड़ेगी और बलि परांत ही इसका पूजा शुरू होता है। उसके बाद हर 10 दिन की साधना पूरी करके जब आप 11वें दिन की साधना करते हैं तो आपको बलि देनी होती है स्वप्न सिद्धि चेटक के नाम से। इसमें भी जो बहुत उग्र साधनाएं करते हैं उनके लिए 3 संध्या में बलि देना, ठीक है, 3 संध्या में बलि देना और उसके बाद रात्रि में मंत्र जाप का विधान है। तो 9 और फिर 9 मतलब 18 बलि 1 महीने में आपको देना होगा अगर आपको स्वप्न सिद्धि चेटक की साधना करनी है। तो कैसे करनी होती है इसकी साधना, इनकी साधना करने के लिए सबसे पहले आपको भैरव देवता की स्थापना करनी होती है एक दीपक में, भैरव का आवाहन करें एक चौमुखी दिए में और उनसे प्रार्थना करें कि आप यहाँ पर उपस्थित हो और मेरे पूजा को ग्रहण करें और आपके चेटक की साधना मैं अगले 1 महीने तक करने वाला हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे सुरक्षित रखें, ठीक है। उसके बाद भैरव देव के बगल में मतलब राइट हैंड साइड में एक छोटा दिया आप जलाएंगे सरसों के तेल का। जो भैरव देव का दिया है वो पहले विधान बता चुका हूँ, कम से कम 3 तेल, तिल, चमेली का और साथ में सरसों का, ये 3 तिल को मिला करके भैरव देव का दीपक जलता है। 5 या 8 रहे तो और उत्तम, ठीक है।
लेकिन जब चेटक के लिए आप दीपक जलाएंगे, चेटक चेटक का आह्वान करेंगे कि हे स्वप्न सिद्धि चेटक, आप यहाँ आओ और यहाँ स्थापित हो, तब सिर्फ एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। ठीक है, दिया जलाते के साथ पहली बलि पड़ती है। ठीक, उसके बाद जो दो प्रहर और होंगे उसमें दो बलि और पड़ेगी, और उसके बाद फिर रात में जो इनका मंत्र है उसका 1,000 जाप होगा। ये विधान 3 दिन आप रिपीट करोगे। जो 3 बलि नहीं दे सकते हैं, जो सिर्फ एक बलि दे सकते हैं, उनके लिए साधना करने से पहले, मतलब जो शाम का संध्या बेला है उस समय आप बलि देंगे, और उसके बाद रात्रि काल में आप जो है साधना शुरू करेंगे। देखो, ऐसे तो शास्त्र में बहुत तरह का तोड़ निकाल लिया गया कि कूष बलि दे दो और कूष्मांड बलि दे दो और क्या कहते हैं मिट्टी का बना के बलि दे दो, लेकिन बलि बलि होती है। आपको अगर भोजन में हम भोजन के बदले भोजन का रेप्लिका प्लास्टिक का बना के दे दे तो क्या प्रसन्न हो जाओगे? वैसे ही बलि का जहाँ विधान है वहां बलि ही देनी चाहिए। मंत्र सुनो जो 1,000 बार आपको जाप करना है। मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राया, देही में वचन सिद्धि विधाने पार्वती पते, ह्राम ह्रैम ह्रौम ह्रः। ठीक है, फिर से ना मंत्र सुनो। ओम नमो भगवते रुद्राया, देही में वचन सिद्धि विधाने पार्वती पते, ह्राम ह्रैम रोम रह। ठीक है, इसमें ह है, सारा जो मंत्र है जैसे रुद्र घोर मंत्र मैंने आप लोग को बताया था, वैसे ही इसमें सब ह अक्षर के ही बीज मंत्र है। शुरुआत जो सृष्टि की हुई थी मैंने पहले भी बताया था, वो ह अक्षर के बीज मंत्रों से हुई थी। मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम नमो भगवते रुद्राया, देही में वचन सिद्धि विधाने पार्वती पते, राम ह्रैम ह्रौम ह्रः। मैं बीजों को बहुत जोर दे के पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग सही उच्चारण करें। और जो मंत्र बीज होता है ना, उसका जाप हमेशा थोड़ा प्रभाव डाल के करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि जाप कर रहे हैं तो नमो भगवते रुद्राय, देही में वचन सिद्धि विधाने पार्वती पते, राम ने तो इसमें क्या है कि जब बीज ही क्लियर नहीं होगा तो साधना का कोई फल नहीं मिलेगा। और ये साधना खास करके अगर आप कर रहे हैं, इतना आप कर सकते हैं, इतना विधान आप कर सकते हैं बलि प्रथा का, तो बलि देने के बाद जो समझने वाली बात यह है कि पंच पूजा होनी ही चाहिए। ठीक है, पंच पूजा सिर्फ वर्जित होती है जब आप काला जादू करते हैं। ठीक, जब आप ये साधना कर लेंगे तो आपको स्वप्न सिद्धि मिल जाएगी। 30 दिन में एक अच्छे साधक को स्वप्न सिद्धि मिलने का बात कहा गया है। जिनको 30 दिन में स्वप्न सिद्धि नहीं मिलती है वो इसको आगे करते रहे। जिनको स्वप्न सिद्धि मिल जाएगी वो लोगों के मृत्यु का समय तक बता सकते हैं, इतना पावरफुल है ये तंत्र। इसीलिए इसको ढंग से करिए, और जिनको साधना में आगे बढ़ना है, जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि कोई ऐसी साधना बताइए जिससे लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सके, तो सिर्फ इस साधना को करिए। रात में जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको प्रिडिक्शन करना है उसका विचार और सवाल मन में लेके सो जाइए। जब आप उठेंगे उससे पहले आपको सपने के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होगी, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट बात करने की कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिलता है। इसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप इस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है www.aghortantrasya.com पर आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान रुद्र आप सभी पर कृपा बरसाए ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश।